वेलकम टू जुमेरा बीच। जी हाँ, ये जुमेरा बीच है और इस वक्त सनसेट का टाइम है। आपको ये देखिए कितना प्यारा व्यू यहाँ पर ये सनसेट का लग रहा है और बहुत बड़ा सा झील है यहाँ पर। अगर आप कॉफ़ी इंजॉय करना चाहते हैं ऊपर, तो अगर ये आपको ये ऊपर ही दिख रहा है, यहाँ पर बैठकर आप ऊपर जैसे होता है ना एयर रेस्टोरेंट टाइप के, उस तरह का है ये। और 6 बज रहा है और बीच का जो नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सनसेट, ढलता हुआ सूरज, पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है पूरी जगह। यहाँ पर ये पब्लिक बीच है ना, आप आराम से यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है बताना चाहती हूँ, बीच एरिया है, आप ये सभी देख रहे हैं बीच है, लेकिन बीच पर हो रहे हैं लोग, यहाँ पर ये ऊँट की सवारी कर रहे हैं इस बीच पर। थोड़ा अनोखा है पर ठीक है भाई, ये रेगिस्तान का इलाका है तो यहाँ पर ऊँट होना जायज़ है, लेकिन बीच पर ऊँट की राइडिंग थोड़ी अजीब लगती है, कैमल राइडिंग। बट इफ यू वांट टू डू दिस देन यू कैन, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बहुत कुछ किया जा सकता है इस बीच पर, वाटर स्पोर्ट्स भी होता है यहाँ पर, उसके लिए आप टिकट परचेज कर सकते हैं। और स्विमिंग अलाउड है और किसी भी तरह के आप कपड़े पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बीच पर। यहाँ का व्यू बहुत बहुत प्यारा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ के पाम आइलैंड की यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो भी यहाँ से नज़र आते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो बुर्ज खलीफा भी यहाँ से नज़र आ रहा है। जी हाँ, बुर्ज खलीफा भी यहाँ से नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। अरेबियन सी है ये जो आपको ये पीछे दिख रहा है। रात में यहाँ पर और चीज़ें हैपनिंग हो जाती हैं, चारों तरफ लाइट ही लाइट होती हैं और बीच से ये पूरा शहर देखने में बहुत प्यारा लगता है। आप देख रहे हैं आसपास है और सामने बीच है और फाइनली सनसेट हो गया है। और ये बहुत मज़ेदार है दुबई। दुबई में रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है, आपको यहाँ पर डेवलप्ड बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी और ढेर सारी चीज़ें हैं करने के लिए, एक्टिविटीज़ हैं। और मॉस्क भी यहाँ पर, एक जुमेरा मॉस्क है वो खाली वही है जो पब्लिक के लिए खुली हुई है। और सबसे बड़ी जो मॉस्क है, ग्रैंड मॉस्क, वो आबू धाबी में है। 2.5 घंटा लगता है आबू धाबी पहुँचने के लिए दुबई से, या फिर चीज़ें कि आप दुबई सीधा आप फ्लाइट आबू धाबी के ले सकते हैं। आबू धाबी उतर कर आप, वन डे टू काफ़ी है आबू धाबी के लिए। ग्रैंड मॉस्क है और वहाँ पर कजर अल हसन फोर्ट है, बहुत पुराना फोर्ट है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एयरपोर्ट से सीधी बसेस हैं मॉस्क के लिए भी और फोर्ट के लिए भी, आपको उसके लिए चार्ज नहीं देना। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो बस, आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए और स्टैम्प होना चाहिए, दैट्स इट। और अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट से जो मैंने कार्ड दिखाया था ना आपको, तो वो भी कार्ड मिल जाता है आपको, वो उसको कार्ड को बस आपको टच करना हो, कार्ड वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कैशलेस हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें कैशलेस हैं, जो भी चीज़ होती है सिर्फ कार्ड से होती है, कार्ड टच करो हो जाएगा कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। ये एक अच्छी चीज़ है कि एक कॉमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे कार्ड है, तो कैश की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हर जगह कार्ड एक्सेप्टेबल है। बट उस कार्ड के ज़रिए आप बसेस, ट्रेन,
ट्राम, मेट्रो, मोनोरेल, टैक्सी, आप हर चीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं उस कार्ड के ज़रिए। सो फाइनली ये देखिए सनसेट हो गया और अब धीरे धीरे अंधेरा शुरू हो गया है। अंधेरा शुरू होती है, अब बस यहाँ पे मैं कुछ देर और बताऊँगी और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। यहाँ से ट्राम का स्टेशन है पाम, माफ कीजिए, जुमेरा रेजिडेंस 2 करके यहाँ पर ट्राम का स्टेशन है। वहाँ से फिर मैं मेन मेट्रो लूँगी, रेड लाइन। इजीली आप दुबई में कहीं भी घूम सकते हैं मेट्रो के ज़रिए, वो भी सस्ते में। सो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।